इस सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, वो बहुत अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं। क्यों अपनाए हुए हैं? अडानी जी के साथ उनका बेटे की 20% की पार्टनरशिप है। आप कहोगे लाइए सबूत, ये बहुत बारीकी से चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के चचेरे भाई पार्टनर हैं, अमित शाह के चचेरे भाई पार्टनर हैं, उनसे कोई सबूत? नमस्ते, अनिल शारदा नाम है मेरा और फिर से गाजीपुर बॉर्डर से ही। कुछ बुज़ुर्ग हैं जो युवाओं का पावर लेके यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और किसान आंदोलन में तमाम छोटे बड़े मुद्दों पर बड़े बारीकी से आपको समझा रहे हैं। एक तो हमारे बनारसी चाचा जी हैं जो काफ़ी फेमस हैं, दूसरे जेएनयू से पढ़े लिखे हैं प्रमोद जी, ये आज बताएंगे कि क्या कुछ चीज़ें किसान आंदोलन जो हो रहा है उसको क्यों हो रहा है और इसके बैकएंड को जिस तरीके से मोदी सरकार और उनके कृषि मंत्री इधर से उधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं नौवार्ता दौर में, उसकी सच्चाई क्या है। तो सर बताइए, कोविड के दौरान किसानों का क्या कुछ रहा और अभी बाद में जो किसान यहाँ पे 52 दिनों से बैठे हैं, क्या सलूशन? देखिए, मैं इस सरकार को कहता हूँ 2x2 गवर्नमेंट, मोदी और अमित शाह, अडानी और अंबानी। कोविड के पीरियड में जिस तरह से ये बात सिद्ध हो गई है, दुनिया में भारत जो है एक बहुत कृषि प्रधान देश है और एग्रीकल्चर ने ही देश को बचाया है, तो अब इस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे इनकी गिद्ध दृष्टि लग गई है। अरे पैसा तो यहीं है, माल तो यहीं है, तो 14 रुपये किलो जो गेहूँ है और 50 रुपये किलो जो के बीच में, इन सबको ख़त्म कर देना, सिर्फ हम ही लोग रहेंगे, आप समझ गए। तो इसी तरह से ये जो बिजनेस ऑफ मास एंगेजमेंट है, एग्रीकल्चर को मैं कहता हूँ बिजनेस ऑफ मास एंगेजमेंट, इसमें देखिए 1.5 अरब लोग हम लोग होने जा रहे हैं, तो हम इन 1.5 अरब को फैमिली की तरह लें, अब सबको एंगेज करना है। अब इससे क्या होगा कि जब 2-4 परिवारों का मोनोपोली होगा, बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होंगे, डिस्प्लेस होंगे, वायलेंस होगी, अराजकता आएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, आप समझ गए, तो समाज में बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी जो कि देश के लिए ठीक नहीं होगा। मेरा ये मानना है ये देश जो है आज भी नेहरू की अर्थव्यवस्था पर चलेगा। नेहरू की जब मिक्स इकोनॉमी थी, नेहरू ने पूरे देश के लोगों को परिवार की तरह लिया। आप नेहरू का नाम लेंगे तो आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। नहीं, नेहरू की जरूरत है, नेहरू की अर्थव्यवस्था की आज देश को जरूरत है। देखिए मैं कहता हूँ वेलफेयर एंड बिजनेस कैन नॉट को एग्जिस्ट। सरकार यदि बिजनेस करेगी तो वेलफेयर कहाँ से करेगी? तो जो बिजनेस, अब BSNL को घायल करके छोड़ दिया गया, खत्म हो गया। तो जो भी अच्छे इंस्टीट्यूशन थे जो नेहरू के समय से बन रहे थे, वे प्रॉफिट मेकिंग थे, वो पैसा सरकार के पास जाता था और सरकार उस पैसे से वेलफेयर करती थी, किसान को सब्सिडी, स्टूडेंट को सब्सिडी, महिलाओं के लिए वेलफेयर, बहुत सारे वेलफेयर हैं। तो ये जो 1.5 अरब लोगों का देश है, ये वेलफेयर के बगैर नहीं चलेगा, और वेलफेयर के लिए मैं ये मानता हूँ कि सरकार के पास पैसा जाना चाहिए। और पैसा कहाँ से जाए? जो बिजनेस ऑफ मास एंगेजमेंट है, जैसे रेलवे है, BSNL है, ये जो है बिजनेस ऑफ मास एंगेजमेंट है, इनसे जो बड़ा पैसा आता है, श्योर एंड शॉर्ट प्रॉफिट है, वो सरकार के पास जाना चाहिए, न कि किसी पूंजीपति के जेब में, ताकि सरकार उस पैसे से वेलफेयर कर सके। लेकिन पूंजीपतियों के जेब में ही डालने के लिए इन किसानों को बैठा दिया गया है कि तुम बैठे रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर 4 दिन बाद एक नया डेट देंगे, आपको बुलाएंगे, बैठ जाएंगे, सोल्यूशन कुछ होगा नहीं, बाकी तो आप बैठे रहे। जी बनारसी चाचा, क्या कहते हैं आप, ये बार बार बैठाया जा रहा है 9 दिन से, क्या होगा? कृष्ण ने कहा अर्जुन से मत प्रेम जिता दुश्मन से, युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। उनकी थ्योरी का नतीजा है आज पूरा देश का 80% आबादी आज सड़क पे है, रोड पे है। ये बर्बादी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये देश सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। अगर किसानों के वहाँ गिद्ध निगाह ही डाल रखे हैं, देश की इकोनॉमी, पंडित जी ने सही कहा, डॉक्टर साहब ने सही कहा कि पंडित नेहरू की थ्योरी के अनुसार, पंडित नेहरू की थ्योरी है कि पूरा देश एक परिवार के समान है, और यहाँ का मेन जो है भारत जो है कृषि प्रधान देश है, कृषि से तमाम तरीके से आय होती है, 4% GDP जो है विकास दर कृषि के बदौलत हिंदुस्तान में कायम रहती है। लेकिन ये सरकार सोची, अरे बाप रे बाप, कोविड के दौरान अर्थव्यवस्था पे आँच नहीं आई है, किसानों ने संभाल लिया, तो क्यों ना ये काम करें कि बीज के जो है सब लोगों को हटा करके संघ प्रमुख मोहन भागवत, अडानी अंबानी और मोदी या अमित शाह मिल करके इस पर कब्जा जमाएं।
और कब्जा जमा करके देश के लोग मरते हैं तो मरें। ब्रिटानिया गवर्नमेंट की थ्योरी है, कहीं नील की खेती कराओ, कहीं गुलाब की खेती कराओ, कहीं गेहूं की खेती कराओ, और ये इन लोगों के अलावा कहीं बेच नहीं सकते। MFC जो आपका जो साधारण है कि इतने रेट पे आपको खरीदना है, काला चोर ले जा, हमारे कहने का मतलब है, लेकिन सरकार को फायदा हो, काला चोर ले जा लेकिन किसानों को। आज गोरखपुर, पूर्वांचल, बिहार के नेताओं की नासमझी का नतीजा है कि हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा लेबर जानते हैं कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश, यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, और उसके बाद आपका राजस्थान। इन लोगों ने यहाँ पंगू बनाने का प्रयास किया है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम पंजाब जिस तरह से खुशहाल है, केरला जिस तरह से खुशहाल है, शिक्षा का स्तर बढ़े, वहाँ पे हॉस्पिटल हो, सड़कें अच्छी हों, वेलफेयर का काम हो, ये तभी संभव है। अडानी अंबानी के बदौलत संभव नहीं हो सकता है। मोदी जी ने साफ साबित कर दिया कि वो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं, और संघ में ये कई बात सीखे कि हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इससे देश की समस्या का समाधान नहीं होने वाला, एकदम बिल्कुल नहीं। छात्र है, पढ़ेगा लिखेगा, उसको रोजगार चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, चाहे वो कनाडा जा, यूरोप जा, कहीं जा, जिस तरह से पंजाब वाले हैं। लेकिन एक और चीज़ है, ये जो कपड़ा आप पहने ठीक नहीं पहने, आपको फटा पुराना कपड़ा पहन के आना चाहिए था, धोती पहन के आना चाहिए था, किसान लगेंगे ना, आपको देख के किसान नहीं लग रहे हैं। भाई साहब, मैं 1980 में इंडियन आर्मी का जवान हूँ, फौजी भी हूँ और किसान हूँ। जो शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, तब वो दोनों चीज़ हमारे अंदर समाहित है। डॉक्टर साहब को तो ऐसे देख लेगा सब, तो कहेगा कि भाई अंग्रेजी ताकतों के और भाई देखिए, हमारे ड्रेस से किसी की पहचान नहीं होती है। प्रधानमंत्री ड्रेस से पहचान करते हैं। ड्रेस से पहचान करें तो जय श्री राम का नारा लेकर के दे करके तमाम साधु महात्मा बलात्कार कर रहे हैं। अब BJP में सुरक्षित हम गंगा स्नान कर रहे हैं, हम पवित्र हैं, चाहे वो आसाराम हो या कुलदीप सेंगर हो या चिम्यानंद जी। आंदोलन में थोड़ा दूर की एक बात कर लेता हूँ कि पालघर में घटना हुई थी पिछले साल, याद होगा, 89 लोगों को जो उस घटना में नामजद थे उनको ठाणे कोर्ट ने छोड़ दिया है, जमानत दे दिया है। हाँ, मुस्लिम की बात कही जा रही थी, सब हिंदू निकले। हाँ, कैसे होगा साहब, फिर तो भगवा को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। भाई साहब, जहाँ पे पालघर वाली घटना हुई और जिन लोगों ने किया, उस मोहल्ले का प्रधान जो था भाजपा का मेंबर था, इसने चिल्हट, गोरखपुर में एक साधु को पुलिस वालों ने पीट पीट के मार डाला, कहीं हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में लगभग 20 से 25 हज़ार ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू बहु बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है। किसानों की पीड़ा देख लिए, 125 किसान बेचारे शहीद हो चुके हैं, जिन्हें आपके चैनल के मार्फत सशस्त्र नमन करते हुए मैं पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और अडानी अंबानी के वहाँ बच्चा पैदा हो जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं सोहर गाने, लालना पालना खिलाने। अमेरिका में चार लोग उदंडता करते हैं, वहाँ की फोर्स मार देती है, तो कहते हैं ये लोकतंत्र के दो ही सच्चे पुजारी हैं, एक संघी मानसिकता वाले माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और एक तानाशाह शासक कोरिया का और किम जोंग। ये दो लोगों को पीड़ा होती है, बाकी पूरी दुनिया को पीड़ा नहीं हुई। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अभी किसी एक भाजपा नेता के यहाँ ही मैं था, बातचीत चल रही थी, तो ऑन रिकॉर्डेड है TV पे, उन्होंने कहा कि बंगाल में देखिए अनिल जी, बहुत तकलीफ है किसानों को, 80% किसानों को प्रधानमंत्री के द्वारा भेजा गया जो पैसा है वो नहीं मिल पाता है, ये लोकतंत्र को मतलब बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है बंगाल में। वही लोकतंत्र दिल्ली के बॉर्डर पे जो खड़े किसान हैं उनके लिए भी होता है, क्या यहाँ पे वो लोकतंत्र बर्बाद नहीं हो रहा है? देखिए, वहाँ पर लोकतंत्र इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि दो माह के अंतराल में वहाँ विधानसभा चुनाव है, वहाँ पर अभी हिंदू भी खतरे में आएगा, अभी वहाँ का मजदूर भी खतरे में आएगा, रोजगार भी खतरे में आएगा, लोगों की आय भी
बढ़ोतरी नजर आएगी, लेकिन उन्हें दिल्ली की चारों तरफ सीमाओं पर किसान नजर नहीं आएगा। चारों तरफ बॉर्डरों पर 70 से ज़्यादा लोगों की इस सर्दी में, इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। इन्हें चार जानवर तो दिखाई देते हैं रेडिएशन से मरते हुए, यहाँ 70 के आसपास के किसान नहीं दिखाई देते। एक ट्वीट नहीं आया प्रधानमंत्री साहब, मैं कृषि मंत्री का नहीं आया, छोड़िए ना, मध्य प्रदेश में एक ऐसे नेता रहे जानते होंगे। हाँ, मैं जो आज कथा कथित इस सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, वो बहुत अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं। क्यों अपनाए हुए हैं? अडानी जी के साथ उनका बेटे की 20% की पार्टनरशिप है, आप कहोगे लाइए सबूत, ये बहुत बारीकी से चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के चचेरे भाई पार्टनर हैं, अमित शाह के चचेरे भाई पार्टनर हैं, उनसे कोई सबूत नहीं है, उनसे कोई सबूत नहीं है। हमारे इन भोले वाले किसानों को आतंकवादी कह दिया, नक्सली कह दिया, अर्णब गोस्वामी नजर नहीं आता आतंकवादी, घटना से पहले 2 दिन पहले उसके पास कैसे सूचना मिल गई पुलवामा की, जो 40 हमारे सैनिक शहीद हुए। तो क्या 5% जो संघीय मानसिकता के लोग हैं वही राष्ट्रवादी हैं? 95% लोग हिसाब से तो वही राष्ट्रवादी हैं, बाकी सब तो आतंकवादी हैं। सर एक और चीज़ मैं सब, एक सेकंड, मैं आपसे वही लोकतंत्र को वही सवाल दोबारा आपसे है कि उस लोकतंत्र को आप कैसे देखते हैं जो महाराष्ट्र में जाके कमज़ोर हो जाता है और दिल्ली के बॉर्डर पे मजबूत खड़ा है? देखिए, देश काल परिस्थिति के हिसाब से बातें बदलती हैं, तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट भी हैं, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल, वही बात है। ठीक है, हाँ, बात चल रही थी राष्ट्रवाद और गैर राष्ट्रवाद पर। क्या 5% के लोग 150 करोड़ की आबादी को राष्ट्र का सर्टिफिकेट देंगे? इन्हीं लोगों के मतदान से, इन्हीं लोगों की राय से ये सरकार है। और जहाँ तक ये जो इन्होंने 3 कानूनों में बदलाव करके लागू किए हैं, अगर इतने वो किसानों के शुभचिंतक हैं जैसा आप बता रहे हैं कि किसान बहुत दुखी है बंगाल में, क्यों नहीं आपातकालीन सत्र बुलाते हैं? थोड़े दिन पहले बिहार के भी दुखी थे, अभी सब सही हो गया? जहाँ जहाँ चुनाव आएगा वहाँ वहाँ सब दुखी होते रहेंगे और सही होते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब है सरकार से, इस सरकार को युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने, गरीबों ने चुना है। अगर वो इतने इस देश के नागरिकों के, जनमानस के प्रति संवेदनशील हैं, अगर इतने ही इनके शुभचिंतक हैं, इतनी वेलफेयर चाहते हैं, क्यों नहीं तत्काल 26 तारीख से पहले पहले आपातकालीन सत्र बुलाएं और ये कहें कि हमने जो एग्रीकल्चर पर भूलवश हमसे जो 3 कानून पास हुए हैं जो जनमानस के खिलाफ थे, हम इनको सर माथे वापिस लेते हैं और देश से माफ़ी मांगते हैं, ये कदम उठाएं। देश भी इनकी वाहवाही करेगा, किसान भी वाहवाही करेगा, मजदूर भी वाहवाही करेगा कि यह है सरकार। के वाहवाही करने से सरकार को क्या मतलब है भाई? कॉर्पोरेट वाले वाहवाही करेंगे तब तो फायदा होगा। देखिए, यही कॉर्पोरेट वाले पिछली सरकारों में इनके फादर ऐसे खड़े रहते थे, नीचे तक लाइए, कुछ पीएमओ के सामने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये नाम लीजिएगा तो सपोर्टर हो जाएगा। हाँ, ये जो हैं, जिसकी सरकार आएगी, कुछ लोग तो 24 घंटे में बदलते हैं, ये 24 पलों में बदल जाते हैं, जिसकी सरकार होती है ये उसी के हो जाते हैं। इनका कोई धर्म मजहब नहीं है, इनका धर्म मजहब है कि नोट पर छपा हुआ गांधी कैसे हमारी तिजोरी में इकट्ठा हो, यहाँ के कानूनों पर और यहाँ की सरकारी संस्थाओं पर हमारा कब्जा कैसे हो। ये भोला वाला अनपढ़ प्रधानमंत्री है और अनुभवहीन प्रधानमंत्री है, जिसका ये कुछ लोग उद्योगपति फायदा उठा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।